हेलो विद्यार्थी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमेट्री के विषय, त्रिकोणमेट्री का बेसिक के फार्मूला। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज एबीसी लेते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री, तो 90 के ठीक जो अपोजिट साइड होता है उसको कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसको एच से इंडिकेट करते हैं। और थीटा का वैल्यू अगर यहां लेते हैं तो थीटा के ठीक सामने जो अपोजिट साइड पड़ेगा उसको लंब कहते हैं, जिसके इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और इसको पी से इंडिकेट करते हैं। जो तीसरी साइड बची है आपका बीसी, जिसको बेस कहते हैं, आधार, जिसको बी से इंडिकेट करते हैं। फिर हम एक और ट्रायंगल बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें ए बी सी, यह है 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और यदि एंगल यहां बनता है तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, तब यह होगा आपका बीस। यानी कि एंगल अगर बदलता है तो लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस जो उसका होता है वो फिक्स होता है, कर्ण जिसको कहते हैं। तो यहां पर त्रिभुज की तीन भुजा मिले जिसका नाम है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो इसके जो रेशियो होंगे ये P by H, इसके छह रेशियो बने, P by H, B by H, P by B, और इसके अपोजिट बनेगा ये H by P, H by B और B by P। इस रेशियो का नाम रखा गया साइन थीटा, और B by H का नाम रखा गया कॉस थीटा, और P by B का नाम रखा गया tan थीटा। साइन जो H by B, जो P by H का अपोजिट है, इसका नाम रखा गया cosec थीटा, और cos का अपोजिट sec थीटा, इसका cot थीटा। ये है बेसिक छह फॉर्मूले। अब साइन थीटा और cosec थीटा को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये होता है, जिसको आप प्रूफ डेक में भी देख सकते हैं। प्रूफ में साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच और कॉसेक थीटा का एच बाई पी, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल हुआ। अब मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन के साइन को मल्टीप्लीकेशन को ले जाते हैं बराबर के उधर, तो डिवाइड में बदल जाता है। यानी कि दूसरा फॉर्मूला की उत्पत्ति यहां से, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाय साइन थीटा। फिर यहां पे देखो, ये कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा इज टू सेक थीटा, ये भी वन होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू वन बाय sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू वन बाय cos थीटा। फिर इसी प्रकार tan थीटा इंटू cot थीटा, वन होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू वन बाय cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू वन बाय tan थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा का tan थीटा होता है, और cos थीटा बाय sin थीटा cot थीटा। ज्यामिति में आप पढ़ चुके होंगे कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि प्लस साइन को बराबर के बाद ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस को ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहां से
प्लस बी स्क्वायर को इधर लाते हैं बचा पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर हटा दिए हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर यहां से प्लस बी को इधर लाकर माइनस इधर बचा बी का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर यहां पर ध्यान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, इसको आप रूट देख में भी देख सकते हैं, रूट में साइन का वैल्यू है पी बाई एच, तो यहां पे रखिए पी बाई एच का होल स्क्वायर और कॉस का वैल्यू है बी बाई एच, बी बाई एच का होल स्क्वायर ये हुआ पी का स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर, ये हुआ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू देख रहे हैं एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल हो गया वन। कॉस का थीटा रहते हो माइनस हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब स्क्वायर हटा दिए तो हो गया आपका रूट अंडर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार साइन स्क्वायर उधर ले गए ट्रांसफर किए तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा दिए तो रूट हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर आया तो आपको हो गया प्लस, तो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा दिए तो रूट हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस और इधर लाए तो हो गया माइनस इधर हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस वन और tan थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखते हैं यहां पे cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये माइनस कॉट स्क्वायर इधर आया तो प्लस हो गया वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा दी तो रूट हो जाएगा कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस वन इधर लाए हो गया माइनस यहां बचा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये रहा आपका त्रिकोणमेट्री का बेसिक फॉर्मूला। अब हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूले जो कंपाउंड एंगल जिसको कहते हैं कंपाउंड एंगल है सब मल्टीपल एंगल्स हैं